कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जामल सर्स मैथ्स एकेडमी को और करें अपने ग्रेजुएशन मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कि विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल मुझे पहले इंटीग्रेट करना है, वो वेरिएबल डिसाइड हुआ वाई। वाई क्यों डिसाइड हुआ? क्योंकि सर जो अंदर वाली लिमिट है वो एक्स वेरिएबल में है, वो इंडिकेट करती है कि वो लिमिट वाई की है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू वाई मुझे पहले इंटीग्रेट करना होगा। जब आप ये कर लो तो उसके बाद आगे बढ़ो बच्चों, कन्फर्म यहां तक आ गए, इंटीग्रेशन हुआ परफॉर्म, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये टर्म बची है। अब यहां पर से भी आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि ये जो आपकी जो क्लासेस है, जो आपकी एकेडमी है, आप ये बताइए कि इस एकेडमी में किस टाइप्स के अपने कोर्सेस स्टूडेंट्स को टीच आप करते हैं, क्या इसका यूएसपी है, क्या इसका सक्सेस रेट है, उस बारे में बताइए। देखिए सर, हमारा जो क्लासेस है उसमें हम इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आप बी बी टेक कह सकते हो, बी एस सी कह सकते हो, इस फील्ड के सभी मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी तरह के ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस सर्च कर रहे हो तो हमारी एकेडमी जो है वो बेस्ट है। इस वजह से क्योंकि ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में मैक्सिमम टाइम लोग काम ही नहीं करते, सब 11, 12, 10 इसी में लगे पड़े हैं। लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है तो उसे कोई कोर एकेडमी ही नहीं मिलती जहाँ पर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स को लेकर टीच किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो बच्चे आते हैं वो उसी तरह के आते हैं। साथ ही साथ सक्सेस रेट इतना अच्छा है कि बच्चा सेटिस्फाइड रहता है हमेशा टीचिंग से, क्योंकि जो क्लास कैपेसिटी है हम 20 स्टूडेंट्स के अबाव नहीं लेते, तो 20 बच्चों में हर बच्चे के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि हमारे लिए डिफिकल्टी डिस्कस करना आसान हो जाता है हर बच्चे की, और जो इंटरेक्शन है बच्चे के साथ वो बेस्ट होता है। इसीलिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि शामिल सर मैथ्स एकेडमी जो है वो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में एक अच्छा काम कर रही है। तो जो आपकी एकेडमी है इसमें जो आप कोर्सेस रन करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का बच्चों को प्रिपरेशन कराया जाता है, क्या क्रैक कोर्स होता है, और उसका उसके अलावा जो एंट्रेंस जो टेस्ट होती है जब एकेडमी में एंटर करने के लिए, तो उस बारे में किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होती है ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए। जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि हायर जो मैथमेटिक्स है, जिसे हम हमेशा ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से पहचानते हैं, अगर आप उसमें डिफिकल्टी फेस करते हो तो आप ट्यूशन सर्च करते हो, और आपको ट्यूशन सर्च करने के बाद यहां पर आने के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। आपको जस्ट आना है, आप क्या ट्रबल फेस कर रहे हो, आपको किस तरह के मतलब मैथमेटिक्स के 11, 12 के कंसेप्ट अगर उतने स्ट्रांग नहीं रहे तो हायर मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है, आप वहां पर हमेशा ही डिफिकल्टी फेस करोगे। तो उस
वे में उस वक्त आपने ट्यूशन सर्च करना चाहिए। आपको 11, 12 की तरह ही हर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के लिए ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम देन यू कैन कम टू मी। अगर आपको डिफिकल्टी है, अगर आप फेस कर रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हो। लेकिन एज सच एंट्रेंस एग्जाम यहाँ नहीं होता है। सर ये भी देखा गया कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें काफी बच्चों को पहले से काफी डर लगता है, एक प्रकार से एक फियर फैक्टर रहता कि मैथ्स बहुत हार्ड है। बराबर। तो अब जबकि आपके एकेडमी में मैथ्स से रिलेटेड आप कोर्सेस यहाँ पे करते हो, सिखाते हो, तो आप ये बताइए कि आगे चल के स्टूडेंट किस तरह का जो डर है वो दूर हो जाता है और उन्हें एक कॉन्फिडेंस की भावना आती है, उस बारे में बताइए। सर बहुत सिंपल सा होता है, मैथमेटिक्स को लोग डिफिकल्ट मानते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपने करना चाहिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, आप वहीं पर कम पढ़ते हो। ऊपर से आपका जो बेसिक होता है मतलब 10th 11th 12th इस बेसिक पर ही आप सबसे ज्यादा ट्रबल फेस करवाते हो, आप वही वीक रखते हो। इसीलिए जब आप हाइयर एंड मैथमेटिक्स में आते हो तो और भी डिफिकल्टी फेस होती है। तो बेस्ट वे होता है कि जब आप हमारे पास आ रहे हो तो आप अपनी ट्रबल बता दो। मैं तो हमेशा ही बच्चों को सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपको क्या ट्रबल है, आप किस तरह के मैथ्स में ट्रबल्स को फेस कर रहे हो, आपको क्या परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं उसे जान लेता हूँ कि उन्हें क्या तकलीफ है और फिर उस तरह के वे में जो उनको कंफर्टेबल हो, जो उनको समझ आए, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनवाए मैथमेटिक्स में, हम उस पर वर्क करते हैं ताकि बच्चे को फ्यूचरिस्टिकली ट्रबल ना हो। क्योंकि ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के बाद जब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, आपको पास आएगा गेट प्रिपरेशन या फिर एमपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन और यही ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स जो है वो वहां पर मूल है। तो अगर ये स्ट्रांग है तो वहां पर आप कोई ट्रबल फेस नहीं करोगे। जैसे कि आपके एकेडमी पॉली बी बीटेक्स रिलेटेड जो मैथ्स प्रिपरेशन करवाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो मैथ्स का आप ये करवाते हैं, आगे चल के एक स्टूडेंट्स को उसके फ्यूचर लाइफ सिक्योर करने के लिए और उसको कुछ लाइफ में अपना गोल हासिल करने के लिए ये मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके नजर से, उस बारे में बताइए। देखिए मैथमेटिक्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक, अगर मैं एक बेसिक सिविल इंजीनियर की भी बात करता हूँ तो सिविल इंजीनियर जब एक मैथमेटिक्स समझता है तो उसके डिपेंडेंट आपके, अगर मैं कॉलम लेआउट से लेकर रोड मैपिंग तक की भी बात करता हूँ तो वहाँ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो या फिर आप अगर एक स्लांट बना रहे हो, आप किसी भी तरह का, आप मेट्रो के एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे यहाँ पर हर एक टर्म में आपके कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और उन कैलकुलेशंस के लिए ये एक फाउंडेशन मैथमेटिक्स होता है जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, वहां पर आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस को समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए, स्पेशली फ्रॉम सीनियर इंजीनियर टू जूनियर इंजीनियर्स। तो ये एक वे होता है कम्युनिकेट करने का कि आपके किस तरह की लेंथ होगी, ब्रेथ क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, ये सब चीजें इसी सब टर्म्स से, आपको लोड कितना देना, यहाँ से शुरुआत होती है। हम अगर एक सिविल इंजीनियर की बात करें, इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम है, वहां पर भी उसी तरह की बात की जाएगी। इस वक्त हमारे समक्ष आप श्यामल मैथ्स एकेडमी के मिस्टर श्यामल सर हो। यस। जैसे कि आप हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यस। और इवन आपका फोन नंबर और आपका एकेडमी का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है, जो स्टूडेंट्स है जिनको मैथ्स में प्रिपरेशन करना है, एडमिशन्स लेना है, वे देख के निश्चित रूप से आपके एकेडमी में आके इंक्वायरी करके अप्रोच करेंगे। धन्यवाद। तो चलते चलते श्यामल सर आप ये बताइए कि जब हम श्यामल सर एकेडमी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स जो कि और भी एकेडमीज है उसके कंपेरेटिव में आपका क्या एक सक्सेस रेशियो है, उस बारे में बताइए। सर सक्सेस रेशो ऐसा है कि क्लास में बच्चे कम होने की वजह से हमेशा ही अच्छा और बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बेहतरीन रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। ताकि मतलब हम क्या कहेंगे, कम बच्चे इसका मतलब है हमारा जो फोकस है वो अच्छा खासा बना रहता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, डिफिकल्टी सेशंस में हमारी आसानी हो जाती है, बच्चों की कॉपी चेकिंग हो जाती है और जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे टीचर का हमारे तरफ ध्यान है, हमारा टीचर हमें हमेशा पूछता है कि क्या हो रहा है बेटा, कैसा चल रहा है, डिफिकल्टी है तो अलग से आके बैठो, आपको अलग से प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, उनके साथ में बैठता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद अगर आप एग्जैक्ट सक्सेस रेशो की बात करते हैं तो 90-95% सक्सेस रेशो है हमारे क्लास का। जैसे आज ही दोपहर में हमारे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगा हुआ है,
तो क्लास में थे 17 स्टूडेंट्स और 17 में से हमारे अभी तक जो 13 स्टूडेंट्स है उन्हें अबाउ 80 एक एवरेज वेलेबल हो अबाउ 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि जब हमारी क्लास कैपेसिटी की डिपेंडेंट होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, अगर आप 100 बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपका ध्यान बटा हुआ है, लेकिन जब कम कैपेसिटी में आप काम करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। ये तो देखा गया है कि जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है काफी क्रिटिकल है, काफी एंटरटेनिंग है, इवन काफी इंटरेस्टिंग डेवलपिंग सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसके बावजूद भी आप वो जो स्टूडेंट्स को किस तरह से इजी वे में कन्विंस करवाते हो, किस तरह से उनका प्रिपरेशन करवाते हो, उस बारे में हर टॉपिक का बताने का जो एक वे है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक टॉपिक के पीछे एक स्टोरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूंगा तो एक छोटा सा हमने कंसेप्ट बनाया था कि पाई बाई टू जादू की छड़ी होती है, और वो एक कंसेप्ट बहुत फेमस है जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंड कंपाउंड एंगल किसी को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है, या फिर पॉलीनोमिया थ्योरम ले लीजिए। तो ये सब कंसेप्ट जब आप बच्चों को उनके ही लेवल पर जाके समझाते हो, जिसे बोलते हैं ना कि व्हाट वी लर्न विद प्लेजर विद वी नेवर फॉरगेट, कि आप जो भी खुशी से अपने अंदर समा कर लोगे आप कभी नहीं भूल सकते, वही एक बेस लाइन पकड़कर, वही एक टैगलाइन पकड़कर मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ प्रेशर ना ले। हर टॉपिक को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, बस आप ये बोलो कि आप कौन से तरीके में कंफर्टेबल हो, फिर वो कंफर्ट जोन लाने का जिम्मेदारी मेरा होता है, सो दैट उन्हें लर्न करने में या फिर समराइज करने में आसानी हो, वो परेशान ना हो मैथमेटिक्स जैसे बड़े कंसेप्ट को लेकर। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो डर बहुत है बच्चों को मैथमेटिक्स का, और जिसे बोलते हैं हम कि एक तरह से फोबिया बन गया है मैथमेटिक्स, तो इस तरह का फोबिया ना बने इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। बच्चा कंफर्ट में रहे, बच्चे को आते समय मतलब क्लास आते समय एक एनर्जी फील होती है कि नहीं अभी आज क्लास जाना है, सर कुछ तो भी नया बताएंगे, कुछ तो भी नया पढ़ाएंगे, तो ये वाले वे में हम लोग जाते हैं ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे सब्जेक्ट को लेकर, ना कि डरा हुआ रहे। अगर डर रहेगा तो वो क्लास तक ही नहीं पहुंचेगा और सब्जेक्ट से हो जाएगा दूर, तो वो दूर नहीं होना चाहिए। इसलिए कंसेप्ट को हमेशा इजी टू लर्न करवाया जाता है, उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए हुए हमने जो बार बार लगातार हम यूटिलाइज करते हैं। ये है श्यामल्स एकेडमी के मिस्टर श्यामल सर, जो कि आपने हमारे साथ जो बातचीत साझा की है कि जो मैथ्स के बारे में जैसे कि बताया काफ़ी क्रिटिकल और लोग में वो भी है फियर फैक्टर भी होता है, लेकिन आप उनको इतने इजी वे से पढ़ाते हैं कि ये सारा का सारा उनका फियर रिमूव हो जाता। और आपने अपने एकेडमी के बारे में किस तरह के कोर्सेस होते हैं, किस तरह से उसे कंडक्ट किया जाता, अपने यहाँ बेस्ट फैकल्टीज उसके बारे में भी आपने बताया, सारे के सारा चीज़ें हमसे साझा की हमारे न्यूज़ चैनल से, और आपने अपना समय दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद।